बोल, तूने क्यों किया ऐसा? हमारी वो कितनी हेल्प करता था, कभी भी किसी भी खबर का उसने एक रुपया तक नहीं लिया। अपने इस देश को, इस भारत को दिल से प्यार करता था वो, और तूने उसको एक टेररिस्ट बनाकर मार दिया। कब तक हम इनोसेंट्स को टेररिस्टों का नाम दे देकर मारते रहेंगे और अपनी इस खाकी वर्दी पर इल्जाम लगवाते रहेंगे? राठौर, तूने इस वर्दी को दागदार किया है, तुझे जरूर सजा मिलेगी। नमस्ते एसपी साहब। प्लीज आइए बैठिए। जी बोलिए। बेटा, मेरे बेटे की डेड बॉडी मिल सकती है क्या? आपके बेटे की डेड बॉडी क्यों नहीं मिलेगी? आपका पूरा अधिकार है। बस एक मिनट दीजिए। राठौर, वो डेड बॉडी उसके पिता को सौंप दो। क्यों? वो एक्चुअली में साहब, हमने इसको पड़ोसी देश का दिखाया है। अगर डेड बॉडी इसके पिता को दे दी तो आप खुद ही समझ लीजिए साहब, हमारी नौकरी पक्की जाएगी। बेटो, बस अब एक ही अनुरोध है तुमसे, इस बूढ़े बाप को भी पड़ोसी देश का मत बता देना। क्या हुआ, सोए नहीं? नींद नहीं आ रहे। आज तो आपको बहुत अच्छी नींद आनी चाहिए, आखिर एक आतंकवादी को जो मारा है। वो आतंकवादी नहीं था। क्या कह रहे हैं आप, ज्यादातर न्यूज चैनलों पे तो यही दिखा रहा है। न्यूज चैनलों की क्या है, आजकल कुछ न्यूज चैनल तो ऐसे हो गए जैसे कोठे पे बैठी हुई एक रंडी, जिसको चाहे उसको आतंकवादी बना दें, जिसको चाहे उसको फांसी के ऊपर लटका दें। वो कौन था? वो एक मुखबिर था।